सो हेलो गाइस, और क्या चल रहा है जनाब हिंदुस्तान में? तो भाई अभी इंडिया में ना एक टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है और वो है बॉयकॉटिंग चाइना। चाइना को लोग बॉयकॉट करने पे उतर आए हैं, चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को तोड़ फोड़ जला रहे हैं, उसको यूज करने को मना कर रहे हैं। वैसे हम लोगों को भी चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए यार, चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे यार, तो वीडियो में एंड तक बने रहो और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चाइना के प्रति लोगों का गुस्सा अब निकल रहा है यार। लोग चाइना के प्रोडक्ट्स को जला रहे हैं, चाइना के झंडे को जला रहे हैं, वहां का जो प्रेसिडेंट है, एक मिनट, चाइना का प्रेसिडेंट है कौन? ये रैली निकले हैं और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, उसका नाम है किम जोंग। नहीं सच में चाइना का प्रेसिडेंट किम जोंग उन्हें? अबे अनपढ़ो जाहिलो, इतने जूते मारने का मन कर रहा है मेरा। किम जोंग उन है चाइना का प्रेसिडेंट? अबे चाइना का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अनपढ़ कहेंगे कौन कौन है यार इस देश में। यार आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ यार, दिल से। पता है अभी मैंने गूगल करा और मेरे को पता लगा कि चाइना का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं, पुतिन है। क्या बातें कर रहे हैं आप? अब भाई बॉयकॉटिंग चाइना की बात आए और रामदास का नाम नहीं आया, रामदास जी, इनका एक स्लोगन बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था यार। इन्होंने अपना एक स्लोगन निकाला था, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, सुनो जरा। तो भाई अपने गो कोरोना कोरोना गो कोरोना वाले स्लोगन को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई कि इनको अपना एक नई चीज लेके मार्केट में आना ही पड़ा। तो इस बार ये लेके आए हैं यार बॉयकॉटिंग चाइनीज फूड, मतलब होटल का ओनर इंडियन, शेफ इंडियन, स्टाफ इंडियन, बस रेसिपी चाइनीज है, समझना, रेसिपी चाइनीज है। तुम उसको बैन करने की बात कर रहे हो, मतलब क्या? कुछ भी भाई, अगर तुम ऐसे चाइनीज फूड को बैन करोगे तो जो तुम सुबह शाम चटकारे मार के चाय पीते हो ना, वो भी चाइना की है। इंडिया में कोई चाय नाम का शब्द था ही नहीं, चाइना में दुनिया की सबसे पहली चाय बनी थी। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो मैंने गूगल करा था, ये देख लो। अरे रुको रुको, और भी तो बातें बतानी है तुमको। तो भाई रक्षाबंधन आने वाली है जिसमें सब लोग मिलके पतंग उड़ाते हैं, और पतंग दुनिया में सबसे पहले कहाँ उड़ाई गई थी? जी हाँ, सबसे पहले दुनिया में पतंग चाइना में उड़ाई गई थी। सही सुना, पतंग इंडिया का ट्रेडिशन है ही नहीं, पतंग चाइना की है, हमने उसको अपने इंडियन कल्चर में मिला लिया। क्योंकि पतंग तो चाइना में उड़ाई गई थी, तो इंडिया में चाइनीज कल्चर आ गया पतंग उड़ाने का। तभी आपने सुना होगा कि सबसे तेज कौन सा मांझा होता है, चाइनीज मांझा। तो आज से चाइनीज मांझा खरीदना बंद और पतंग उड़ाना बंद, क्योंकि पतंग इंडिया में उड़ा ही नहीं गई। वैसे आपको अगर किसी को थैंक यू कहना चाहिए यार, तो वो है हमारे न्यूज वाले। बड़े ही मेहनत करके, बड़े ही जद्दोजहद करके वो आप सभी के लिए न्यूज लेके आते हैं। पता नहीं कौन कौन से गांजे फूकने पड़ते हैं उनको ऐसी न्यूज लाने के लिए, हैशटैग चलाने पड़ते हैं, हैशटैग चाइना गेट आउट पावर्ड बाय वीवो। क्या बात कर रहा है, मेरी वीडियो का इतना असर हो गया कि लोगों ने अपने घर की टीवी तोड़ दी है। अरे भाई उठाक दोबारा दे मारो यार, दोबारा उठाक दे मारो। एलएसरे कोरिया भारतीय जवान शहीद पड़े, देश इंसानियत को बचाएगा वो, दुश्मन से लड़ेगा जो, हाथों में इसके वो ताकत है, जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो, वो 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 चाबी से बदलता है, वो 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 अंधेरों से निकलता है, पर कहीं जो मिले उसे पहचानोगे नहीं, उसे पास है कई हथियार, ताकतों इसमें है क्या शक्ति, you can do। भाई जिस फोन से तू बात कर रहा है वो भी चाइनीज ही है यार, चाइनीज, ये चाइनीज है, तोड़ साले को। क्या बात कर रहा है,
रियलमी 90 सेकंड में स्टॉक आउट और वन प्लस भी फ्लिपकार्ट पे सेल में। रहन दो तुमसे नहीं हो पाएगा यार, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रियलमी जाके खरीदो, बॉयकॉटिंग चाइना करेंगे। एक तरफ बॉयकॉटिंग चाइना, दूसरी तरफ 90 सेकंड में रियलमी और वन प्लस स्टॉक आउट, तो सोच ही सकते हो यार कि कितना बॉयकॉट चाइना हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाना, वो नीचे लाल वाला बटन है उस पर चप्पल फेंको, जूता फेंको, या फिर रियलमी का फोन फेंको, या प्रोडक्ट फेंको, मुझे नहीं पता, बस दब जाना चाहिए। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। लाइक कर दो यार इस वीडियो को जरूर, कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों के पास कितने चाइनीज प्रोडक्ट हैं, या फिर किस फोन में तुम ये वीडियो देख रहे हो, वो किस कंपनी का है। तब तक के लिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय।